2016 में पूर्व की रघुवर सरकार में एमओयू हुआ था ईईसीएल कंपनी के साथ कि राजधानी रांची को जगमगाने के लिए एलईडी लाइट लगाने के लिए स्ट्रीट लाइट, लेकिन 28 जून को एक बैठक की गई नगर विकास विभाग की ओर से और ईईसीएल को जल्द से जल्द एक सप्ताह के अंदर सभी लाइट को दुरुस्त करने के लिए कहा गया, लेकिन 18 दिन का वक्त बीत चुका है, लगभग 3 हफ्ते का वक्त बीतने जा रहा है, लेकिन ईईसीएल के कान के में जू तक नहीं रहेंगे। आप देख सकते हैं इस वक्त हम मौजूद हैं राजभवन के समीप और वीआईपी इलाका है, यहाँ से कुछ ही मीटर पर आप कह सकते हैं मुख्यमंत्री आवास है, राजभवन है, लेकिन अगर आप स्ट्रीट लाइट की बात करेंगे तो देखिए सारा स्ट्रीट लाइट बंद पड़ा हुआ है, आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं। हम जिस रोड में वीआईपी मोहल्ले में गए उन सभी मोहल्लों को अगर देखा गया तो पूरी तरह से सभी लाइटें बंद पड़ी दिखी, और बरसात का दिन है वैसे में क्या मरम्मतें होती, देखिए गाड़ी जब गुजरती है तब लाइट दिखती है। हम यहाँ से रातू रोड, किशोरगंज, हरमू, जिस भी रोड में गए लगभग 20 से 25 लाइटें जो एलईडी लाइट है वह ख़राब नज़र आया मुझे। लेकिन इस वक्त जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं यह जो है रातू रोड से आप कह सकते हैं मुख्यमंत्री आवास की तरफ जो जाती है सड़क, वह सड़क पर मैं मौजूद हूँ और कह सकते हैं कि आप सभी लगभग जो लाइटें हैं कुछ या तो बंद पड़ी है पूरी तरीके से, ये कब से बंद पड़ी है, कितने दिनों से बंद पड़ी है, और आखिर जब 28 तारीख को मीटिंग ली गई नगर विकास विभाग की ओर से और ईईसीएल को निर्देश दिया गया कि आप एक सप्ताह के अंदर सभी लाइटों को दुरुस्त की जाए, और कई तरह की बातों को कहा गया कि आप यहाँ पर मीटर लगाने की बात थी वह भी नहीं लगाए गए हैं, और कम से कम लगभग आप कह सकते हैं कि 18 दिन का वक्त बीत चुका है, लेकिन इस वक्त भी देख सकते हैं कि पूरा राजधानी अंधेरे में कहीं ना कहीं, ये राजभवन का ये दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ कि राजभवन के समीप जो है यह अंधेरा, ये आप लाइट देख सकते हैं, ये जो लाइट आप देख रहे हैं ये देखिए ये लाइट ये एक विज्ञापन के से आ रहा है, लेकिन ये स्ट्रीट लाइट जो इसी के जस्ट बगल में है यह बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं हम उम्मीद करते हैं कि इस खबर के माध्यम से जल्द ईईसीएल के कान में जुड़ेंगे और जल्द से जल्द इन लाइटों को दुरुस्त करें, ताकि नगर विकास विभाग की ओर से जो ये मीटिंग में निर्देश दिए गए थे और जितने भी खानापूर्ति हैं उनको जो गलतियाँ हैं जो खामियाँ हैं उनको जल्द से जल्द दूर करें, और राजधानी रांची को कम से कम जगमग जरूर बनाया जाए। हमारे पीछे जो गाड़ियाँ गुजरती है तब आप कह सकते हैं कि रोशनी आती है, लेकिन अगर गाड़ियाँ गुजरना बंद हो जाएं तो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि यह पूरे अंधेरे में तब्दील हो जाएगा। यह दृश्य मैं राजभवन की दिखा रहा हूँ, यहाँ से कुछ ही मीटर पर कह सकते हैं मुख्यमंत्री आवास है, लेकिन फिर भी यहाँ जब अंधकारमय है तो आप कह सकते हैं कि अन्य सड़कों में अगर जाएंगे तो कितनी ज़्यादा अंधकारमय दिखेगी आपको। लाइव लगातार के लिए रांची से मैं कौशल कुमार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।